तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा काफी हद तक सेफ रहता है। हेलो एंड नमस्ते पेचेक फोर्स, मैं हूँ मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूँ हर 4th, 14th और 24th तारीख को, और उसमें हम बात करते हैं आपके साथ आपके पैसों के मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बजटिंग के बारे में और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मतलब होता क्या है। मुझे यकीन है कि आपने ये सारे टर्म्स बहुत बार सुने होंगे लेकिन आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा, और इन टर्म्स का मतलब पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या निवेश करें तो आपको पता हो कि आप किस कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और इन सारी कैटेगरीज का एक्चुअली मकसद क्या है। इन सारे टर्म्स को समझने के लिए आपको एक और टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और वो टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता होगा लेकिन है बहुत सिंपल। इमेजिन कीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका हर शेयर का वैल्यू है 100 रुपये और उस कंपनी के 1000 शेयर हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 100 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 1,00,000 रुपये। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानने के पहले आपको समझना होगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। वो सारी कंपनियां जिनका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 20,000 करोड़ से लेकर 3,50,000 करोड़ के बीच में होता है, इन सारी कंपनीज को हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में इतनी कंपनियां होंगी जिनका ओवरऑल वैल्यू 3,50,000 करोड़ के आसपास भी हो सकता है, जी हाँ ऐसी बहुत कंपनियां हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 3,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यू की कंपनियां हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 11 अगस्त 2019 को और आज के दिन पे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,33,244 करोड़ के आसपास। तो आप समझ लीजिए ऐसी बहुत कंपनियां हैं और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कहा है। ये सारी कंपनियां जो लार्ज कैप स्टॉक्स में गिनी जाती हैं, इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत सालों से, कुछ कंपनियां तो दशकों से लार्ज कैप स्टॉक की एरिया में ही मंडराती रही हैं। इन कंपनीज को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ब्लू चिप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के और दो सिंपल तरीके हैं, वो ये हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स जनरली हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे डिविडेंड्स देते रहते हैं। उसके अलावा सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स, या एटलीस्ट समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स भरपूर इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप कंपनियों में करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा काफी हद तक सेफ रहता है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। ऐसी सारी कंपनियां जिनका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है, इन सारी कंपनियों को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सारी कंपनियां आने वाले सालों में ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएंगी। एज एन इन्वेस्टर अगर आपको किसी मिड कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली बात तो 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट रेंज रखना ज़रूरी है। उसके अलावा उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना ना भूलें, और ये सिर्फ मिड कैप या लार्ज कैप नहीं, हर तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपना रिसर्च अच्छे से ज़रूर करें। ब्लू चिप, लार्ज कैप और मिड कैप के बाद जो एक आखिरी कैटेगरी बचती है वो है स्मॉल कैप स्टॉक्स की। तो जो सारी कंपनियां 5,000 करोड़ के नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती हैं उन्हें स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। जैसे मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो अच्छा
रिटर्न कमा पाएंगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी वैसा ही होता है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के पहले ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट का कारण और लॉजिक और रिसर्च को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो पेचेक प्रोज, ये सिंपल कहानी है ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की। आपने जब ये टर्म्स पहली बार सुने होंगे आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आता है। ये सारी चीज़ों को टेक्निकल नाम दिए हैं और इनके बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। काफ़ी हद तक ये एक्सप्लेनेशंस आज की तारीख में धुंधले भी हो गए हैं, क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस बहुत पहले बने हुए थे, लेकिन आज की तारीख तक एटलीस्ट ये जो टर्म्स हैं ये रेगुलरली यूज़ होते हैं और आपको एटलीस्ट एक अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि ये टर्म्स यूज़ क्यों होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ब्लू चिप स्टॉक्स को नाम मिला था USA में, और जब ये नाम मिला था उस समय में पोकर, जो एक पत्तों की गेम है और चिप्स के साथ खेली जाती है, उस समय में पोकर के ब्लू चिप की वैल्यू $200 के आसपास हुआ करती थी। अब ये वाली डेफिनेशन तो रही नहीं, क्योंकि $200 आज की तारीख में समझ लीजिए 14,000 रुपये के आसपास हो गए, लेकिन आज की तारीख में ऐसे बहुत शेयर्स हैं जिनकी ओवरऑल वैल्यू 14,000 से ज़्यादा है, और शेयर्स में स्प्लिट बोनस आने के वजह से शेयर की वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ब्लू चिप आज की तारीख में $200 से निकलकर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर्स की बन गई है। तो डेफिनेशंस में ज़्यादा ना उलझते हुए आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस पेचेक प्रोस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।